द्विवेदी तरीके से पूरे प्रदेश का आज से नहीं लगातार होने वाले चुनाव अभियान में राजकीय हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम तय है, केंद्रीय नेताओं का तय कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री जी का और मेरा खुद का पहले दिन से ही कार्यक्रम तय है और उन विधानसभा में रोज 4-5 विधानसभा में जाने का लक्ष्य है। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जिनको लोग बुलाएं और जिसका कोई कार्यक्रम हो, तो उनका तो हेलीकॉप्टर भी बुलाया तो खाली बैठा है। अयोध्या विवाद को लेकर आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आना है, सुनवाई शुरू हो रही है, क्या उम्मीद करते हैं लोगों की जनभावना राम मंदिर को लेकर के है? राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी पर है जी। दूसरा डॉक्टर साहब, शशि थरूर जी ने जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री जी को लेकर के दिया है उसको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस कहां जा रही है, उनकी भाषा कहां तक जा रही है? राष्ट्रीय स्तर के और प्रधानमंत्री पद की मर्यादा है, प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते, देश के सबसे बड़े नेता होते हैं, उनके बारे में ऐसे अशोभनीय टिप्पणी ये शशि थरूर ही कर सकता है क्योंकि उन्हें ना संस्कार है ना उनके शरीर। जनता जवाब देगी पांचों राज्य में? बिल्कुल, पूरे देश की जनता जवाब देगी और अभी चुनाव में भी जवाब। मेरे साथ परसों मंच में था हमारे बहुत ही एक्टिव जिला पंचायत सदस्य दंतेवाड़ा के गांव ईदम के सभा में साथ में था और रात में ही माननीय गृहमंत्री जी से, राजनाथ जी से, रक्षा मंत्री से बात करके परमिशन लिया गया और रात को ही एयरलिफ्ट करके रामकृष्ण मिलाए। अभी सवेरे गया था मिलने, बातचीत किया तो उसमें है और आदरणीय कृपा से दंडेश्वरी के वो सुरक्षित है और जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके परिवार और उसके लिए भी प्यार है, वो सी आर पी एफ जवान वहाँ एडमिट है, उनसे भी होगा। इस प्रकार की कायरतापूर्ण घटना प्रजातंत्र को और प्रजातंत्र के इस सबसे पवित्र प्रक्रिया को बाधित करने का काम पूरे देश में होता है और मुझे लगता है कि वो सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री कहीं शिक्षा में सुरक्षित करें। मैं आज 3-4 अलग अलग स्थानों में कार्यक्रम निर्धारित है। पहला कार्यक्रम केशपाल विधानसभा कोटा गांव में श्रामपुरी, दूसरा बीजापुर जिला में बीजापुर में, तीसरा चित्रकूट विधानसभा के लोहंडीगुड़ा में और चौथा जगदलपुर विधानसभा जिला बस्तर उल्लार में। 4 अलग अलग स्थानों में आज सभा होगी। और बीजेपी के 6 दिग्गज आज छत्तीसगढ़ में